आनंद कुमार एडवोकेट। क्या करने आए थे आज आप जिला कलेक्टर? लोकसभा क्षेत्र मुजफ्फरनगर के भावी कर्मठे जुझारू उम्मीदवार है, निर्दलीय। पर्चा भर पाए? पर्चा भरने में थोड़ा लेट हो गई, मेरी बाइक खराब हो गई, रास्ते में क्लच का तार टूट गया और किक टूट गई, तो इसलिए एक घंटा लेट हो गया। रहने वाले आप शामली जनपद के हैं, यहाँ पर्चा? रहने वाले हम जिला शामली के रहने वाले हैं और यहाँ से पर्चा दाखिल कर रहे थे, जमा करने। क्या वजह है जो वहाँ से यहाँ आए? वजह ये है, मैं जिला बड़ा मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा है और ये लोकसभा में तो 5 ही होता है, अगर बड़ा जिला है ये, हमारा जिला छोटा है क्योंकि इसमें से ही वो निकला है। अच्छा, क्या क्या मुद्दे थे आपके, अगर आप पर्चा भरते? मेरे मुद्दे मैं जरा बोल के मोबाइल में बोल के बता रहा। वैसे बता दो यार। नहीं नहीं, मोबाइल में बोल के बता रहा, मोबाइल में बोल के बताऊ, मैं ऐसे नहीं बता सकता मैं, क्योंकि मेरे पास है ना, बताने से ही पता लगेगा। रुक जाओ जरा। हाँ जी, मुद्दे बताइए। पहले नंबर पे है बेरोजगारी दूर करने की समस्या का समाधान करने का उद्देश्य। नंबर 2 पे महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री करने का उद्देश्य। नंबर 3 है बूढ़े पुरुष व स्त्रियों की पेंशन बनवाने का उद्देश्य। नंबर 4 पे किसानों को गन्ने का कुल्लू पर 400, मिल पर 500 करने का उद्देश्य और गरीबों को सरकार से 10 लाख रुपए दिलाने का उद्देश्य। लड़की की शादी में 55 चल रहे हैं, 1 लाख 10 करने का उद्देश्य। जिन लड़कियों के माँ बाप गुजर गए, 2 लाख रुपए देकर शादी कराने का उद्देश्य और 60 वर्ष से 70 वर्ष के बीच पुरुष व महिलाओं का 10 लाख तक का बीमा कराने का उद्देश्य और जनता के लिए 5 वर्ष तक सुबह का नाश्ता लंच डिनर कराने के लिए व्यवस्था करना। इसका मतलब 5 साल तक हम, अगर हम सांसद अपने कोटे से जनता को खाना खिलावेंगे, लंच डिनर ब्रेकफास्ट लंच डिनर। अब इंतजार करना पड़ेगा, ये सभी उद्देश्य जीतने के तुरंत बाद संसद में पहुंचकर इन उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन अब तो पर्चा नहीं भरा गया आपका? पर्चा नहीं भरेगा, कोई बात नहीं, हिम्मत तो नहीं हारते, अगली बार देख लेंगे। विधानसभा क्षेत्र के भावी कर्मठे जुझारू उम्मीदवार फिर पधार रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है, अब कोई दिक्कत तो नहीं, बस खाऊंगे क्या, वो तो मैं अपने आप देख लूंगा, इतना तो बजट है मेरे पास। अच्छा अच्छा, बजट है खाने का? कहने का तो यही है बात, मैं बहुत परेशान हूँ इस वजह से कि पर्चा दाखिल नहीं हुआ, यही है।